बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जबीन्स किचन एंड डेली लाइफ। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी और यूज़फुल टिप्स लाई हूँ, उम्मीद है आप लोग के बहुत काम आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर वन टिप ये है कि सुबह जब हम लोग अंडे बॉयल कर रहे होते हैं बच्चों के स्कूल जाने के वक्त नाश्ते के लिए, तो ये होता है कि उसके छिलके बहुत मुश्किलों से उतरते हैं। तो उसके लिए आसान सी टिप ये है कि जब आप अंडे बॉयल करें तो उसके अंदर एक चाय का चम्मच नमक डाल दें, और जब ये अंडे बॉयल हो जाएँ और थोड़े से ये ठंडे हो जाएँ तो आप इनको स्लेब के ऊपर हाथ की मदद से इसको रोल करें, बिल्कुल हल्के हाथ से दबा के। आप देखिएगा कि अंडे के अंदर सारे छिलकों में क्रैक्स आ जाएंगे और वो आपके सारे छिलके एक साथ बआसानी उतर जाएंगे। अक्सर दावतों में हम लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, अपने डिशेस को सजाते हैं, लेकिन जब हम लोग सैलेड बनाते हैं तो सैलेड बनाते हुए अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी तकरीबात में जाते हैं तो सैलेड में बहुत अच्छे फूल बने हुए होते हैं और बहुत अच्छी कार्विंग हुई हुई होती है, जो कि देखने में लगता है कि बहुत मुश्किलों से की होगी। लेकिन इसकी एक आसान सी टिप ये है कि आप एक खीरा लें और इसके आप सारे छिलके उतार लें, और जब आप इसके छिलके उतार लें तो खीरे के ऊपर आप कांटे से इस तरह से लाइनें डालें हल्के प्रेशर के साथ। जब आप इनको काटेंगे तो इसकी शक्ल बिल्कुल फ्लावर की तरह आएगी। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, या तो आप इसको सर्कल में काटें या आप इसको थोड़ा सा डायमंड शेप में रख के काटें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इससे फिर सैलेड को डेकोरेट करें और अपना बहुत अच्छा सा सैलेड सजा लें। आप देखें कि खीरे के ऊपर कितना अच्छा जो है फ्लावर का टेक्स्चर बना हुआ आया है। ये आप जो है गाजरों में भी कर सकते हैं और आप ये मूली में भी कर सकते हैं। आज की सबसे यूज़फुल और आसान टिप ये है कि अक्सर कपड़े इस्त्री करने में हम लोग को बहुत अलकसी आती है और बिजली का बिल बनने के डर से तो हम लोग अक्सर अपने कपड़े इस्त्री ही नहीं करते जो कि हम लोग अपने रूटीन में पहन रहे होते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी एक टिप ये है कि आप एक बाउल ले लें, उसके अंदर आप 2 खाने के चम्मच कंडीशनर डालेंगे। कंडीशनर आप किसी भी ब्रांड का ले लें, उसके अंदर हम फिर 1/4 कप सिरका डालेंगे और उसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। अभी मैंने इसके अंदर 1/2 गिलास डाला है, लेकिन बाद में मैंने इसके अंदर 1/2 गिलास और डाला था, और हम इसको एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से हिला लेंगे। लेकिन मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया था तो इसमें झाग बन गया था। आप लोग को बहुत ही हल्के हाथ से हिलाना है कि इसमें झाग ना बने। मैंने झाग फिर ऊपर से हटा लिया था। और फिर इस तरह की हम कोई भी स्प्रे बॉटल ले लेंगे जो कि आप अपनी इस्त्री के लिए यूज़ करते हैं इस्त्री करते वक्त, उसके अंदर हम अपने सारे मिक्सचर को डाल लेंगे और फिर हम अपने कपड़ों के ऊपर स्प्रे करेंगे। अब देखें, ये मेरी बहुत ही काफ़ी गिंजी हुई शर्ट है जो कि हम नॉर्मल रूटीन में घर में पहनते हैं, ये गिंजी हुई शर्ट है। इसको मैंने हैंगर किया और इसके ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ। अभी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि इस स्प्रे से इसके ऊपर क्या असर होता है। स्प्रे करने के बाद आप इसको हाथ से सीधा कर दें और आप इसको थोड़ी देर पंखे के अंदर ही लटके रहने दें। अच्छा, आप इसको जब स्प्रे कर लेंगे तो आप इसको हाथ से सीधा करेंगे और आप देखें इसकी सारी शिकनें गायब हो गई हैं। ये बहुत अच्छी और यूज़फुल टिप्स है। ये आप अपने कॉटन के कपड़ों पे भी कर सकते हैं। आप जब कपड़े धोएं तो आप उसी वक्त इनको सारे कपड़ों को सीधा करके और तय लगा के आप अपनी अलमारी में रख लें, और अगर आप जब कपड़ों को इस्त्री कर रहे हैं तो आप इस्त्री करते हुए भी ये वाला मिक्सचर अगर आप कपड़ों के ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप अपना बिल बचाइएगा, आपके कपड़ों से खुशबू आएगी, आपके कपड़े भी बहुत अच्छे इस्त्री होंगे। आप लोग को इंशाल्लाह ये टिप बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।